बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। होप सो कि आपने उसको अपनी नोटबुक्स पे नोट भी किया होगा और उसको रेगुलरली याद भी किया होगा। स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 की तरफ आएंगे, जिसका नाम है डेटा टाइप्स असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग इन तमाम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें बेसिक लैंग्वेज को देखेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन है स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपने इसके ऊपर क्वेश्चन बनाना है, देन एंड हु इंट्रोड्यूस द बेसिक लैंग्वेज, यानी कब और किसने बेसिक लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया। इसका आंसर होगा द बेसिक लैंग्वेज वाज डेवलप बाय जॉन कैमेने एंड थॉमस कुड्स इन 1963 एट डॉर्मोथ कॉलेज USA। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर ये होगा कि बेसिक लैंग्वेज को जॉन कैमेने और थॉमस कुड्स ने डार्माउथ कॉलेज में 1963 में डेवलप किया था। ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ में आए, उसमें है बेसिक। यहाँ पे हम देखेंगे कि बेसिक क्या है, व्हाट इज़ बेसिक। क्वेश्चन आपने बनाना है व्हाट इज़ बेसिक और बेसिक स्टैंड्स फॉर। स्टूडेंट्स, ये है GW बेसिक इज़ एन इंटरप्रेटर फॉर बेसिक, यानी GW बेसिक बेसिक को समझने का तरीका है। इंटरप्रेटर का मतलब है तशरीह करना, यानी बेसिक को समझने के लिए GW बेसिक यूज़ किया जाता है। यानी बेसिक जो है, बेसिक स्टैंड्स फॉर, ये ऊपर मैंने क्वेश्चन बनाया है, बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगनर ऑल पर्पसेस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो स्टूडेंट्स, ये आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ तक है, आपने यहाँ तक करना है। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ ऑपरेशन। आप ऊपर एक क्वेश्चन बनाएंगे, डिफाइन मोड्स ऑफ ऑपरेशन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। पहले आपने डेफिनेशन करनी है मोड्स ऑफ ऑपरेशन की, नेक्स्ट आपने टाइप्स बतानी है। दो टाइप्स है इसकी ऑपरेशन की, डायरेक्ट मोड है और एक इनडायरेक्ट मोड है। तो चलिए पढ़ते हैं मोड्स ऑफ ऑपरेशन। GW बेसिक कैन ऑपरेट इन टू मोड्स, IE डायरेक्ट मोड एंड इनडायरेक्ट मोड। तो आज हम डायरेक्ट मोड पढ़ेंगे। व्हेन GW बेसिक इज़ लोडेड इट शोज ओके मैसेज, यानी जब आप अपने कंप्यूटर में GW बेसिक को लोड करते हैं तो ये एक ओके मैसेज शो करेगा। एट दिस स्टेज इट इज़ इन डायरेक्ट मोड, यानी ये इस स्टेज पे इसको डायरेक्ट मोड का नाम दिया जाता है। डिटेल में डायरेक्ट मोड पढ़ते हैं। इन डायरेक्ट मोड GW बेसिक कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड एज दे आर टाइप, यानी डायरेक्ट मोड में स्टूडेंट्स ये होता है कि आप जैसे जैसे कमांड्स टाइप करते हैं वैसे वैसे वो आंसर देता है। रिजल्ट्स ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस कैन बी डिस्प्ले इमीडिएटली, यानी जैसे जैसे आप अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस यूज़ करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, वैसे वैसे इमीडिएटली जल्दी जल्दी वो उसका रिजल्ट देगा। बट द कमांड्स देमसेल्फ आर लॉस्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन, लाइक जो क्वेश्चन होगा वो लॉस्ट हो जाएगा आफ्टर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट होने के बाद। दिस मोड इज़ यूजफुल फॉर डिबगिंग फॉर क्विक कंप्यूटेशन डैट डू नॉट रिक्वायर अ कम्प्लीट प्रोग्राम। तो स्टूडेंट्स, ये यूज़फुल है डिबगिंग के लिए। लाइक स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको इसकी एग्जांपल भी बताती हूँ। लाइक ओके प्रिंट, सबसे पहले आपने ओके टाइप किया, इसके बाद प्रिंट 786 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका आंसर उसने इमीडिएटली दे दिया 262। ओके मैसेज किया, फिर इसके बाद प्रिंट वेलकम टू GW बेसिक। जैसे जैसे कमांड्स टाइप कर रहे हैं वैसे वैसे ही वो आंसर दे रहा है। लाइक आपने प्रिंट वेलकम टू GW बेसिक ये एक कमांड टाइप की, इसके निचली लाइन पे उसने आंसर दे दिया वेलकम टू GW बेसिक ओके। तो इसको स्टूडेंट्स हम लोग डायरेक्ट मोड का नाम देंगे। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मोड की जो डेफिनेशन है वो आपने यहाँ से लेके इनडायरेक्ट मोड में यहाँ से लेके यहाँ तक याद करनी है। और उसके बाद मोड ऑफ ऑपरेशन भी बताने हैं कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेशन आपने बताना है। GW बेसिक कैन ऑपरेट इन टू मोड्स, IE डायरेक्ट मोड एंड इनडायरेक्ट मोड। तो आज का जो आपका काम है वो सिर्फ आपने इंट्रोडक्शन करना है और बेसिक की डेफिनेशन, और आपने इन डायरेक्ट मोड ही करना है बस। तो इसको आपने अपनी नोटबुक्स पे नोट भी करना है और आपने इसको याद भी करना है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।